ओम क्रिया बाबा जी महा, ओम श्री मातृ महा। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप जानते ही है पौष मास में शाकंभरी नवरात्रि अभी चल रही है। शाकंभरी नवरात्रि की जानकारी हर दिन हम अलग अलग देवी के नाम का अर्थ दे ही रहे हैं। उसके साथ हम जो धूमावती नवरात्रि भी अभी चल रही है, परंतु धूमावती नवरात्रि कोई ज्यादातर मनाता नहीं है, परंतु नॉलेज के लिए हमें सारी चीजें पता भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ललिता परमेश्वरी जो होती है, ये पूरी की पूरी सफेद एनर्जी है, व्हाइट एनर्जी है, और उसको बैलेंस करने वाली माइनस एनर्जी जो होती है वो महाकाली होती है। तो महाकाली को काली कुल श्री विद्या कहते हैं, ललिता को श्री कुल श्री विद्या कहते हैं। ऐसा प्लस माइनस, अंधेरा और उजाला, ऐसा चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर नवरात्रि आगे आगे आती है। जैसे आगे आएगी गुप्त नवरात्रि, आएगी गुप्त नवरात्रि में भी जो है उसके आगे चैत्री नवरात्रि आएगी। मातंगी नवरात्रि जो होती है गुप्त नवरात्रि में आती है। माघ मास होने के बाद चैत्र नवरात्रि होगी, उसमें अन्नपूर्णा नवरात्रि होगी। ये माइनस प्लस इस तरह से ही चलता ही रहता है, इसका नॉलेज लेना थोड़ा बहुत आवश्यक है। अभी शाकंभरी नवरात्रि के साथ क्या चल रहा है कि धूमावती नवरात्रि भी चल रही है। धूमावती नवरात्रि की भी जानकारी हम थोड़ी थोड़ी लोगों को देते हैं। धूमावती नवरात्रि में धूमावती की तीसरी अंग देवी जो है वो भूपेश्वरी देवी है। भूपेश्वरी देवी का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक एक महाविद्या जो है, महाविद्या का मतलब आप समझ लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी, सृष्टि का अभ्यास। सृष्टि में मनुष्य का भी अभ्यास होता है, सृष्टि में जल के अंदर का भी अभ्यास होता है, सृष्टि में जो पशु पक्षी होते हैं, वनस्पति होते हैं, इनका भी अभ्यास होता है, इनका भी जीवन चक्र होता है, इनका सबको संभालने वाली कोई ना कोई शक्ति होती है, उसका संतुलन और उसका अभ्यास जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग कहा कहा से मंत्र लेते हैं, उनका जाप करते हैं, गायत्री के जाप करते हैं, परंतु गायत्री किसी को सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गायत्री को कोई भी एक महाविद्या, एक अभ्यास करने का विषय के स्वरूप में कोई देखता ही नहीं है। लोग समझते कि गायत्री का मंत्र जप करेंगे इतना करोड़ जप हो गया वो सिद्ध हो गए, परंतु आपको सृष्टि से या वनस्पति से बातचीत करने की या किसी प्राणी से बातचीत करने की विद्या कहाँ आती है? नहीं आती, क्योंकि अभ्यास की कमी है। तो अभ्यास की कमी क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं आधी अधूरी साधना करते हैं, साधना किस प्रकार से करनी होती है पता नहीं होता। धूमावती नवरात्रि ये जो चल रही है, इसमें हम तीसरी जो देवी है, मतलब धूमावती की तीसरी अंग विद्या भूपेश्वरी देवी, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। भूपेश्वरी देवी, आपने बहुत सारे लोगों ने नया नाम सुना होगा, भूपेश्वरी देवी करती क्या है? भूपेश्वरी का भूप का अर्थ क्या है? धूमावती की ये तीसरी अंग देवी के रूप में काम क्या करती है, ये थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। जैसे आपको मैंने पहले कहा ही है कि ललिता के ऊपर बगलामुखी की एनर्जी आती है। आपको पूरा तंत्र शास्त्र ना ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग अगर तंत्र को दस महाविद्या ऐसा समझ के चलेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब आगे है क्या? क्या सच में ये दस महाविद्या कंसेप्ट ओरिजिनली मतलब अस्तित्व में है क्या तंत्र शास्त्र में या पूरे दुनिया में, या फिर जो पूरा का पूरा जो अदृश्य जगत, गुप्त जगत जिसे कहते हैं, या गुप्त गुप्तर जगत जिसे कहते हैं, अतिगुप्त जगत, इसमें ये दस महाविद्या कंसेप्ट है क्या? ये सारी चीजें आपको पूरी अभ्यास ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तंत्र शास्त्र कैसा है, जो दिखाई देता है वैसा नहीं है। तो अंधेरे में और गुप्त में क्या चल रहा है इसकी जानकारी और सटीक समझ में आना चाहिए, और ये सारी चीजें ऐसे कहीं किसी के ऊपर लिखी हुई नहीं रहती, ठीक है। धूमावती की तीसरी जो होती है वो भूपेश्वरी देवी। धूमावती मतलब आपको मैंने पहले ही कहा है कि अंधेरा, ब्लैक एनर्जी, बगलामुखी सफेद एनर्जी, पीला कलर, सोलर एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। बगलामुखी की जो सोलर एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश है, वही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी के रूप में है, ठीक है। तो भूपेश्वरी मतलब क्या है? भूप मतलब जो ज्वालामुखी होता है, और ज्वालामुखी से ऊपर जो अर्थ की अलग अलग परतें होती है, किसी परत में पानी होगा, किसी परत में एक कड़ी भूमि होगी, किसी परत में पत्थरों की भूमि होगी, या अलग अलग प्रकार के खनिजमय पदार्थ होंगे, ऐसे अलग अलग परतों से भूमि बनती है। तो जब ज्वालामुखी का विद्रोह होता है, मतलब एक प्रकार से विद्रूप होता है, तो ज्वालामुखी जब फूटता है तो ज्वालामुखी का फोर्स इतना होता है कि उस ज्वालामुखी को फोर्स देने वाली जो एनर्जी है और उस भूमि के परतों को अलग अलग करके जो हटाने वाली शक्ति है, या भूमि को अलग करने वाली जो फोर्स लगता है, उस फोर्स की एनर्जी जो होती है वो होती है भूपेश्वरी देवी। अब आपको समझ में आ गया, ज्वालामुखी जो है वो बगलामुखी है, ठीक है। बगलामुखी जैसा बाहर हमें सूर्य के रूप में दिखती है, एक प्रकाश के रूप में दिखती है, ठीक है, और वही प्रकाश ज्वालामुखी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर होता है, परंतु बगलामुखी विरुद्ध होकर भी धूमावती के साथ कैसे कार्य करती है वो अभ्यास करने जैसा है। जैसे कि लावा अगर बाहर आता है तो वो प्रकाश देता है,
और प्रकाश देने के बाद जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद उसमें से देखिए धुआं भी आता है, उसमें से एक प्रकार से भाप भी आती है, उसमें से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे धुआं, धुएं में कैसे छोटे छोटे कण होते हैं, काले काले कण होते हैं, वो सब है धुमावती की एनर्जी, या भूपेश्वरी की हम एनर्जी कह सकते हैं। और गर्म लावा ठंडा होने के बाद जब वो एक पिघला हुआ पत्थर हम कहते हैं वो जब होता है उसको हम कह सकते हैं धुमावती का तीसरा रूप भूपेश्वरी। मतलब पृथ्वी के आने के बाद लावा जो होता है कड़ा होता है, पत्थर के रूप में होता है, एक नई भूमि का संरचन करता है, वो होता है भूपेश्वरी देवी। तो ये जो भूप ज्वालामुखी को फटने के बाद जो भूकंप का जो एक बल लगता है, भूकंप के बल इतना होता है कि ये भूकंप का बल कई सैकड़ों किलोमीटर तक, मतलब अभी देखिए नॉर्थ इंडिया में जब भूकंप होता है वो दिल्ली से अफगानिस्तान तुर्कस्तान होकर चला जाता है, वही वो नेपाल तक चला जाता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है भूकंप की वो कितनी होती है, उसकी एनर्जी का फोर्स कितना होता है, वो एनर्जी का जो फोर्स है ये जो काम होता है ये आता है भूपेश्वरी देवी के पास। तो आप कल्पना कर लीजिए कि भूपेश्वरी देवी के पास कितनी ताकत होगी जो बगलामुखी के लावा को ऊपर लाती है। एक छोटे छोटे अभ्यास के सब्जेक्ट है भूपेश्वरी के देवी के बारे में, आज इतना ही हम बता रहे हैं कि धुमावती कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से काम करती है, क्योंकि कोई भी महाविद्या होती है वो अकेले कहीं अपने काम के लिए नहीं जाती। महाविद्या में क्या होता है, महाविद्या अपने एनर्जी को विभाजित करती है अलग अलग देवियों में, वो उसके ही रूप होते हैं परंतु वो अपनी एनर्जी को विभाजित करती है और किसी को तीसरे काम के लिए लगाई है, किसी को दूसरे काम के लिए लगाई है। अब जैसे देखिए भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर भी आ सकता है, भूकंप जो होता है वो पहाड़ के ऊपर भी आ सकता है, भूकंप जो होता है वो समुद्र के अंदर भी आकर लावा ऊपर आ सकता है, हम बता नहीं सकते। तो हर जगह पे काम करने वाली दैवीय एनर्जी और फोर्स अलग होता है और यही देवी के जो होते हैं अलग अलग ग्रुप होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो इनके हाथ भी अलग होते हैं, इनके काम भी अलग होते हैं। अब और एक्स्ट्रा अगर नॉलेज दूं तो भूपेश्वरी देवी के हाथ में एक स्पेशल अस्त्र होता है, उसको मतलब भूकंप की देवी कहा है। तो उसका अस्त्र कैसा है, एक लकड़ी की डंडी है, ठीक है, लकड़ी के डंडी को क्या है कि वायरिंग किया है, जो वायर्स होते हैं ना तार होते हैं तारे, तो तारों का बाइंड किया है और तारों के बाइंड में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देने के बाद जो बाहर एक एनर्जी का फोर्स निकलता है, जैसे आप डंडा घुमाएंगे वैसा वो एनर्जी का फोर्स वहां पर चलता जाएगा। जैसे कि बिजली का चिन्ह कैसे होता है, ठीक है, बिजली का चिन्ह कैसे होता है, बिजली का चिन्ह मतलब हम कह सकते हैं बगलामुखी, और भूकंप जब आता है तो भूकंप का भी चिन्ह वैसा ही होता है, क्योंकि भूमि जो होती है वो जब फट जाती है तो बिजली के जो चिन्ह होता है उसके जैसे ही वो फट जाती है। तो वो मतलब ये एनर्जी भूपेश्वरी देवी के हाथ में जो अस्त्र है उसकी एनर्जी हम कह सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अभ्यास होता है। ऐसे ही गायत्री भी जो है, गायत्री की भी अंग देवियां है, गायत्री की भी जो एक एक मुख है उसका भी एक अभ्यास है, उसके भी एक ग्रंथ है, पर इसका संशोधन आज तक इतना हुआ नहीं। तो मित्रों श्री विद्यापीठम द्वारा जिनको भी ऑथेंटिक साधना करनी है तो हमारे यहाँ से सिद्ध कुंज जी का साधना कर सकता है। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक विधि सिखाया हुआ है, स्पेशली घर के कुलदेवी के लिए सिखाया है। और भी साधनाओं के जो कोर्सेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, श्री विद्या भी हमारे यहाँ से सीख सकते हैं, कालीगुरु श्री विद्या भी अभ्यास कर सकते हैं। और श्री विद्यापीठम जो है वो ऑथेंटिक अभ्यास रिसर्च संशोधन करता है और प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। मित्रों हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए और साधना जरूर कर सकते हैं। मित्रों